नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक NSSIT बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इटालियन सिंगर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद भी इंग्लैंड की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। बोसेली का जन्म 22 सितंबर 1958 में इटली में हुआ था। उनके माता और पिता का नाम अलेक्जेंड्रो और एडी बोसेली था। डॉक्टरों ने बोसेली के जन्म से पहले ही उनके माता पिता को एबॉर्शन के लिए बोल दिया था, क्योंकि डॉक्टरों के मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बच्चा शारीरिक रूप से डिसेबल होने वाला था। इसके बावजूद भी उनकी माँ ने एबॉर्शन के लिए मना कर दिया था। बोसेली को जन्म से ही कई शारीरिक समस्याएं थी और उन्हें अंततः कंजेनिटल ग्लूकोमा से डायग्नोस किया गया, जिसे हम काला मोतिया भी बोलते हैं, जिसमें मरीज को बहुत ही धुंधला दिखाई देता है और बाद में वो पूर्णतः नेत्रहीन हो जाता है। बोसेली का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसके पास पुश्तैनी खेती की जमीन थी। उनका परिवार फार्म मशीनरी का कारोबार करता था और वाइन बनाने का काम भी करते थे। उनका परिवार लास्टार्जा के एक छोटे से गांव में रहते थे जो कि टस्करी इटली में स्थित है। उनके माता और भाई अब भी जिंदा हैं और फार्म का ये कारोबार संभाल रहे हैं। बोसेली ने बचपन से ही म्यूजिक के प्रति बहुत रुचि दिखाई। उनकी माता का यह कहना था कि म्यूजिक ही इकलौती ऐसी चीज है जो बोसेली की मन को उल्लासित करती है। उन्होंने अपना पियानो लेसन 6 साल की उम्र से ही लेना शुरू कर दिया था और बाद में उन्होंने फ्लूट, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, ट्रॉम्बोन, गिटार और ड्रम्स बजाना भी सीख लिया था। 7 साल की उम्र तक वो बड़े ही फेमस सिंगर के आवाज को पहचान कर उसकी नकल करना भी सीख लिया था। 12 साल की उम्र तक बोसेली ने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खो दी, जिसकी वजह थी उनका एसोसिएशन फुटबॉल गेम में एक्सीडेंट हो जाना। उनकी आंखों में फुटबॉल गेम खेलते वक्त गोल कीपिंग करते समय फुटबॉल आंखों में लड़ जाने के कारण आंखों में बहुत चोट पहुंचने से हुई थी। डॉक्टरों ने पूरी मेहनत की परंतु उनकी आंखों की रोशनी ना बचा सके। अब वह पूरी जीवन के लिए नेत्रहीन बन गए। बोसेली ने अपना बचपन का बहुत समय गाना गाते हुए बिताया। उन्होंने अपना पहला कंटेस्ट एक छोटे से गांव में, जो कि उनके घर से बहुत दूर नहीं था, वहां पर दिया था। उन्होंने अपने पहले गाने का कंपटीशन 14 साल की उम्र में जीता था। वहां उन्होंने अपना गाना ओ सोलेमिया मैगहरीटा डिओरो वियाग्या में गाया था। उन्होंने अपनी सेकेंडरी स्कूल 1980 में पूरी की और लॉ की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में गए। पैसा कमाने के लिए वो शाम को पियानो बार्स में परफॉर्म भी करने लगे और वही उन्होंने अपनी पहली पत्नी एनरिया कार से 1987 को मुलाकात की। उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके 1 साल पोर्ट में नियुक्त होकर वकालत का काम किया। उनकी वेबसाइट की माने तो बोसेली को अपनी सक्सेस का पहला टेस्ट सिंगिंग कंपटीशन में 1970 को मिला था। उन्होंने अपनी कला और टैलेंट को सीखने के लिए अलग अलग आवाजों की पढ़ाई की लुसियानो बटेरिसी के साथ। उनके माता पिता चाहते थे कि वो अटर्नी बने, पर उन्हें म्यूजिक ज्यादा अच्छा लगता था। बोसेली के लक ने तब साथ दिया जब 1992 में वो एक डेमो टेक रिकॉर्ड कर रहे थे जो वो जुकेरियो फॉर नैन्सी के लिए कर रहे थे, जिसका नाम मिस्रे से था। उस रिकॉर्डिंग को लुसियानो पेवारोटी ने सुना, जो कि एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे। पेवारोटी के बोलने पर उस रिकॉर्डिंग को गाने के रूप में इस्तेमाल किया गया, जो कि यूरोप की हिट सॉन्ग बन गई। बोसेली ने अपनी पहले पत्नी एनरिया कार से 1992 में शादी की और उनके 2 बच्चे भी हुए जिनका नाम एमोस और मैटियो था।
उनकी यह शादी 10 साल तक ही टिक पाई और 2002 में उनका डाइवोर्स हो गया। उसी साल बोसेली वेरोनिका बर्ती से मिले, जो उनकी मैनेजर बनने वाली थी। उन्होंने 2014 में उनसे शादी करी और उनकी एक बेटी भी हुई। बोसेली ने सैन रेमो फेस्टिवल 1994 में कॉम्पिटिट किया। उन्होंने बहुत से अवार्ड न्यू कॉमर्स की कैटेगरी में जीते। इन अवार्ड से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी नई एल्बम सेकेंड मैरे कैलमो डेलानेरा रिलीज की, जो कि उनकी पहली एल्बम भी थी। बाद में उनका गाना डीओएट के रूप में पॉपुलर हो गया और टाइम टू से गुडबाय के रूप से जाना जाने लगा। सॉन्गो 1999 के एल्बम से बोसेली ने अपना स्टेटस इंटरनेशनल सिंगिंग सेंसेशन के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी हिट रिकॉर्ड प्रेयर, जो कि सेलिन डायोन के साथ एक ड्यूएट थी, बहुत फेमस हो गई। उन्होंने बाद में और भी पॉपुलर एल्बम निकाले, जिसके नाम है 2001 की सेली डी टोस्कासा और 2006 की अमोरे। उनको ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट 1999 और 2000 को सॉन्गो और प्रेयर के लिए मिला था। बोसेली ने अपना 15वां एल्बम सिनेमा 23 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया, जो कि क्लासिक म्यूजिक साउंडट्रैक्स है, जिसमें उन्होंने एरियाना ग्रांडे, निकोले श्वेजिंगर और अपनी पहली पत्नी वेरोनिका बर्थी को फीचर किया था। इस एल्बम को बेस्ट ट्रेडिशनल पॉप वोकल एल्बम 59th एनुअल ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। बोसेली नेत्रहीन होने के बावजूद भी आज बेस्ट सिंगरों में से एक माने जाते हैं। सेलिनो डियोन, एक फेमस आर्टिस्ट ने कहा है कि अगर भगवान गा सकता है तो उनकी आवाज एंड्रिया बोसेली की आवाज होगी। बोसेली की आवाज दुनिया की सबसे सुंदर आवाजों में से एक माना जाता है। दोस्तों, बोसेली एक वोकल जीनियस थे। उन्होंने अपनी शारीरिक कमियों के बावजूद भी ना केवल आवाजों की पढ़ाई कर वर्ल्ड के बेस्ट सिंगरों में से एक बने, बल्कि एक अच्छे इंसान, एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता और एक अच्छे बेटे के रूप में जाने जाते हैं। हमें इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद है ये सुनके आपको मजा आया। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।